प्यार के उलझन में उसने सुसाइड कर लिया। तो आइए इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी अभी कुछ दिन पहले एक पिता मेरे पास में आए, काफ़ी डिप्रेस्ड, और उनको जब पूछा तो मालूम पड़ा कि उनके लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो हुआ क्या, सुसाइड क्यों किया, तो मालूम ये पड़ा, मतलब उन्होंने जो कहानी बताई वो ये है कि ये जो लड़का था करीब करीब 30 साल का, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, काफ़ी दिन से उनकी दोस्ती थी और काफ़ी दिन से दोस्ती रहती थी, चालू थी, मगर उनका कास्ट अलग होने से उनका मतलब रिश्ता हो नहीं रहा था, शादी हो नहीं रही थी, घर से विरोध था। फिर बाद में दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अभी दोनों की इच्छा नहीं है, मतलब घर वाले नहीं बोलते हैं और पॉसिबल नहीं है तो भी अलग हो जाते हैं, और बड़े दुख से उन्होंने सेपरेट होने का निर्णय ले लिया। वो लड़के ने शादी कर लिया, इसकी भी शादी होगी, इसने भी शादी कर ली। हुआ क्या कि शादी के बाद में भी वो लड़की के इसके बीच बीच में व्हाट्सएप चलते थे। अनफॉर्चुनेटली वो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसका हस्बैंड कोई कार एक्सीडेंट में गुजर गया, रोड एक्सीडेंट में। अब वो गुजर गया, अब ये लड़की हो गई अकेली। पहले से उसका चालू था इसके साथ में व्हाट्सएप, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे एक महीने के अंदर ऐसा हो गया, उसको बहुत प्रेशराइज करने लगी, तू मेरे से शादी कर ले, अभी मैं कहाँ जाऊँ। जब इसके मिसेज को ये मालूम पड़ा तो उसने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन चालू किया कि वो जो लड़की अभी उसका हस्बैंड तो मर गया, अब तुम कैसे के उसके साथ में संबंध रख रहे, और उसका झगड़ा चालू इसके साथ में, वो उसको प्रेशराइज कर रही है कि भाई मेरे साथ में शादी कर ले, इसको डाइवर्स कर ले। तो उधर से उसका प्रेशर, इधर से इसका प्रेशर, घर वाले परेशान, करना क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत उलझन में रहता था। उसको समझ में आया कि इसमें रास्ता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लड़की जो थी उसके पास में ऐसे कुछ उसके मैसेजेस गए कि वो मैसेजेस यदि कोई वो कंप्लेंट करती थी तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, ऐसे कोई सेक्सुअल मैसेज उसको उसने भेजा। तो उसको भी उसका डर लगता था, क्योंकि वो टॉर्चर कर रही थी कि देखो तुमने मेरे को ऐसे मैसेज भेजे हुए, मैं इसकी कंप्लेंट करूंगी तो मैंने तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा, क्योंकि उसका तो कोई मतलब वो तो कोई लूज करने वाली है नहीं थी, मतलब उसको कोई लूज करने वाला था ही नहीं कुछ, क्योंकि ऑलरेडी शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसका था हस्बैंड निकल गया, तो उसको लूज करने लायक कुछ भी नहीं था। इसलिए वो टूट गई कि मेरे को यही करना है अभी बिल्कुल, और मैं यही करके रहूंगी, क्योंकि उसको तो लॉस करने लायक था ही नहीं कुछ, प्रेशर के सिवाय प्रेशर कर दी गई। हुआ क्या कि ये दोनों के बीच में इसने खुद को लटका लिया, मर गया। अब पिताजी को इतना डिप्रेशन कि वो सहन करने को ही तैयार नहीं, मतलब वो समझने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि मेरा लड़का ऐसा जा कैसे सकता है। तो उनको काउंसलिंग किया, बताया कि भी जो हुआ वो हुआ, अभी क्या कर सकते हैं आप, देखो अभी क्या संभव है, अभी यही संभव है कि आपके पास में आपकी बहू है, उसका भी क्या करना, लड़का तो चले गए, अभी क्या करना, कैसे जीना, वो देखो। आप इमोशनल जितने हो जाएंगे उसमें, जितना विचार करते रहेंगे उतना ज़्यादा ज़्यादा आपको डिप्रेशन होगा। मैंने उनको कुछ दवाई दिया, एंटी डिप्रेशंस, और मैंने उनको बोला कि काउंसिलिंग के लिए आप आइए, आपका ठीक हो जाएगा डिप्रेशन, धीरे धीरे निकल जाएंगे इसमें से बाहर, सिर्फ टाइम का सवाल है, समय लगेगा। तो होता क्या है कि ऐसे जब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं प्रेम वीरों के, तो जब क्लैरिटी नहीं है प्रेम करने में या आगे चलने में, या भविष्य की क्लैरिटी नहीं है, और बस बहकावे में आते रहते हैं, इमोशनल होते रहते हैं, और कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस एक दूसरे को करते रहते हैं, और बाद में ये प्रॉब्लम आते रहता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाओ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की इतने प्रॉब्लम हो गए कि मेरे पास में रोज़ एक व्यक्ति आते रहते हैं कि उनका प्रॉब्लम है और इसमें से कैसे छुटकारा पाएंगे, या उनके माँ बाप आते रहते। तो वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोग जो उसका अनटोल्ड इफेक्ट होना, जो उसके परिणाम होने वाले, वहाँ से बचेंगे। वीडियो आपको लगा तो जरूर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।